मोदी के मंत्री पूछे, कभी देखा है ऐसा पीएम, बिना थके जो काम करते हैं एएम टू पीएम। मंत्री जी ने जारी कर दिया बिजी शेड्यूल, आप भी सोचेंगे मोदी रहते हैं कैसे कूल। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और जब से पीएम पद संभाला है उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है, यहाँ तक कि छुट्टी के दिनों में भी काम करते रहे हैं। अपनी इसी कड़ी मेहनत की वजह से पीएम मोदी लोगों में लोकप्रिय बने हुए हैं। देश के लिए काम और सिर्फ काम करने वाले पीएम मोदी का हार्डवर्क देखकर खुद उनके मंत्री भी हैरान हैं। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने तो पीएम मोदी के 12 नवंबर से 18 नवंबर तक देश विदेश के कई धुआंधार दौरे और कार्यक्रम की पूरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सिंगापुर दौरे से लेकर चुनावी रैलियों तक के कार्यक्रम शामिल हैं। सत्यपाल सिंह के ट्वीट किए तस्वीर में पूछा गया है कि देश के लिए 7 दिन 12 महीने काम करने वाला पीएम देखा है कभी। केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के जिन कार्यक्रमों की लिस्ट जारी की है उस पर नजर डालें तो 12 नवंबर को पीएम मोदी सुबह छत्तीसगढ़ गए, दोपहर में वाराणसी का दौरा, रात को केंद्रीय मंत्री अनंत सिंह को श्रद्धांजलि देने बेंगलुरु गए, 13 नवंबर को साइंस टेक और इनोवेशन काउंसिल की मीटिंग ली, उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल हुए और शाम को सिंगापुर दौरे पर रवाना हो गए। 14 नवंबर को पीएम मोदी ने फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित किया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ अहम बैठक की, 15 नवंबर को ईस्ट एशिया समिट में ग्लोबल नेताओं से मुलाकात की, आसियान समिट में भी शामिल हुए पीएम मोदी 16 नवंबर को सिंगापुर से लौटे। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनावी रैलियां, 17 नवंबर को शनिवार के दिन मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने जाएंगे पीएम मोदी, 18 नवंबर को रविवार के दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिर से चुनावी रैलियां करने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह के जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई पीएम मोदी की दौड़ भाग शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगी। पीएम मोदी की कड़ी मेहनत देखकर मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता ने भी उनसे सवाल पूछ लिया था कि आपको इतनी ताकत कहां से मिलती है, तो उन्होंने खुद को मजदूर बताते हुए अपनी ताकत का राज बताया था। अब आप ही चाहते हैं कि मैं मजदूरी करूं, तो फिर मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैंने तो देखा है ताकत मिलती है, लेकिन हजारों कार्यकर्ता और उनका परिवार 2400 घंटे दिन रात देखे बिना काम करते हैं कि नहीं करते हैं, कभी भोजन भी नहीं प्राप्त कर पाते, कभी उनके पास व्हीकल नहीं होता है, कभी बस के पीछे ट्रक में बैठ करके जाते हैं। आपने तो कुशाभा ठाकरे को बड़े निकट से देखा है, कुशाभा कितनी मेहनत करते थे, हमारे 4 पीढ़ियां मेहनत कर 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 करे ये पार्टी को यहां तक लाई है। आप मुझे बताइए, अगर मुझे आप लोगों ने यही संस्कार दिए हैं, यही मुझे सिखाया है, तो मैं 100 कैसे पा सकता हूं, मैं आराम कैसे कर सकता हूं भाई? मैं भी तो आप ही की तरह एक कार्यकर्ता हूं। दूसरा, देखिए, आपको मैं प्रधानमंत्री हूं इसलिए आपका ध्यान गया कि मैं रात में 3-3:30 बजे आया, फिर ये मीटिंग की, वो मीटिंग की, सब टीवी पे आया, इसलिए आपको पता चला। आपने कभी रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, होली हो, किसी पुलिस के जवान जो चौराहे पर खड़ा है उसको जाकर के कंधे में हाथ रख करके पूछा उसको, अरे भैया ये त्योहार का दिन है, तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारे हाथ पे राखी नहीं है, क्या तुम नहीं गए? तो कहेगा, नहीं साहब, मेरी ड्यूटी है। क्या उसको देख करके हमें लगता है कि नहीं लगता है कि जो पुलिस का जवान कितने घंटे से खड़ा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्या वो हमें प्रेरणा देगा कि नहीं देगा? हमारे देश का जवान सीमा पर परिवार से दूर, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं और वो सीमा पर तैनात है, थोड़ा पल भर हम उसको याद करेंगे। आप मुझे बताइए, हमें भी उसकी तरह काम करने की प्रेरणा मिलेगी नहीं मिलेगी? कभी आप देखिए किसी मजदूर को बच्चों का पेट भरने के लिए वो कितनी मेहनत करता है, दिन रात दौड़ता है, उसको देखते हैं हमें लगता है अरे भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे हमारा किसान कितनी भयंकर गर्मी में खेत जोतने में लग जाता है, बारिश का इंतजार करता है,
और बीकता हुआ उम्र 50 हो, 60 हो, 70 हो, वो 3 महीने 4 महीने खेत के अंदर घूमता रहता है, उसको याद करते हैं तब लगता है। अगर मेरा देशवासी दौड़ रहा है तो देश का प्रधानमंत्री भी उसे दौड़ना ही चाहिए, दिन रात जुटना चाहिए, उसे एक मिनट भी आराम करने का हक नहीं है। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, अगर आप 10 घंटा काम करेंगे तो मैं 11 घंटे करूंगा, अगर आप 20 घंटे काम करें तो मैं 21 घंटे काम करूंगा, मैं कभी काम करने में पीछा नहीं रहूंगा, क्योंकि देश ने मुझे जिम्मा दिया है, इस जिम्मा मुझे पूरा करना है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था कि पीएम मोदी खुद कई घंटों तक काम करते रहते हैं और मंत्रियों से भी ऐसा करने को कहते हैं। पीएम मोदी हर काम में सख्ती रखते हैं।